हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ दिव्या। आज हम ये लुक करने वाले हैं दुर्गा पूजा के लिए। ये लुक 3 है। सबसे पहले मैंने बायोटिक का मॉइस्चराइज़र लेके अपने फेस में अच्छे से वेल हाइड्रेटेड करते हुए अपने फेस में मॉइस्चराइज़र लगाया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है ताकि आपका फेस का जो भी फाउंडेशन है वो बहुत अच्छा लगे। उसके बाद मैंने अपना फाउंडेशन लिया है और अपने फिंगर की हेल्प से डैप करते हुए लगा लिया है। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से फाउंडेशन को हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे अपने फेस में ताकि जो भी अनइवन स्किन टोन हो वो ढक जाए, हमें एक फ्लॉलेस बेस मिल सके। अगर आपके ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो आप कलर करेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने नेक में भी फाउंडेशन लगा लिया है, नेक को मत भूलिएगा। फिर मैंने फाउंडेशन को धीरे धीरे करते हुए डैप करते हुए अपने फेस में अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैंने सिस ब्यूटी का कंसीलर लिया है, उसे अपनी अंडर आइज़ में लगाया है और अपने जॉ बोन्स में लगाया है, नोज के ब्रिज में लगाया है, फोरहेड में लगाया है ताकि मेरा फेस वेल हाइड्रेटेड रहे। उसके बाद मैंने अपने आईलेट्स में भी लगाया है क्योंकि मुझे आई शेडो लगाना है अभी। और सब कंसीलर को मैंने अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है ताकि हमारा फेस लिफ्टेड और अच्छा हाइलाइटेड दिखे। उसके बाद मैंने मार्स कॉस्मेटिक का ये आई शेडो पैलेट लिया है। उसके बाद मैंने ये ट्रांजिशन शेड अपनी आईलेट की क्रीस में लगाया है, आउटर कॉर्नर में लगाया है। ध्यान रखिएगा कि आपके इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। फिर डार्क ब्राउन लेके अपनी कॉर्नर ऑफ द आई में ब्लेंड किया। ये बहुत इजी और गॉर्जियस लुकिंग आई शेडो लुक है। फिर मैंने उसे अच्छे से धीरे धीरे करते हुए ब्रश की हेल्प से डैप करते हुए ब्लेंड किया है। ध्यान रखिएगा आपको कलर धीरे धीरे डिपॉजिट करना है। फिर मैंने एक डार्क ब्राउन कलर लेके उस डार्क ब्राउन कलर के साथ उसे ब्लेंड करते हुए ट्रांजिशन के साथ मिलाया है ताकि हमारे आई लुक में कोई भी पैच ना लगे। ध्यान रखिएगा कि आपको ये डार्क ब्राउन को लाइट ब्राउन के साथ अच्छे से ब्लेंड करना है। मैंने यहाँ 2 कलर लिए हैं और उसे अपने अंडर आइज में लगा लिया है। उसके बाद गोल्डन शिमर लेके अपने इनर कॉर्नर्स में लगाया है ताकि हमारा ये आई लुक पूरा हो जाए। उसके बाद मैंने ट्रांजिशन वाला ब्रश लेके अपने गोल्डन आई शेडो लुक को अच्छे से ब्लेंड किया है ताकि कोई पैच ना रह जाए। उसके बाद मैंने NYB का कॉन्टोर स्टिक लेके अपने फेस को कॉन्टोर किया है, फोरहेड को, नेक को, जॉ लाइन दिखे ताकि हमने जॉ को भी कॉन्टोर किया है। उसके बाद हम डैप करते हुए ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि कोई भी ब्लैक पैच ना रह जाए। उसके बाद मैंने अब अपने नोज़ को भी कॉन्टोर कर लिया है और अपने फोरहेड में भी कॉन्टोर लगा के इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ध्यान रखिएगा आपको धीरे धीरे ब्लेंड करना है। उसके बाद मैंने लैक्मे का कॉम्पैक्ट लेके अपने ब्यूटी ब्लेंडर के स्पंज से ही उसे अपने फेस को सेट किया है। ये वेट ब्यूटी ब्लेंडर है, उसे से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ब्लू हेवन का ब्राउ पेंसिल लेके अपने ब्राउ को स्पूली से कोम करने के बाद अपने ब्राउ को ब्राउन कलर से फिल किया है। फिल करने के बाद मैंने फिर से स्पूली लेके अपने ब्राउ के हेयर को सेट किया है ताकि मेरा आईब्रो और अच्छा दिखे। उसके बाद मैंने लाइनर लिया है नेबलिन का और उसे अपनी विंग लाइनर लगाया है। मैंने बहुत छोटा विंग लगाया है, ये आप पे डिपेंड करता है आप इसे कितना बड़ा लगाना चाहें। फिर मैंने अपनी दोनों आँखों में लाइनर लगा लिया है। अब मैं अपने आई लैशेस को कर्ल करूँगी। उसके बाद मैंने आई लैश ग्लू को लाइनर जैसे लगा के अपनी फॉल्स लैशेस लगा लिए हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहे नहीं भी लगा सकते। उसके बाद शुगर का कॉन्टोर पैलेट लेके मैंने अपने फेस को पहले ब्रॉन्ज किया है। जहाँ जहाँ आपने कॉन्टोर किया था आपको वहाँ वहाँ ब्रॉन्जर लगाना है ताकि आपका फेस अच्छा स्कल्प दिखे। उसके बाद मैंने ब्रश लगाया, एक लाइटेस्ट पिंक कलर का ब्रश लगाया है। उसके बाद हाइलाइटर लेके अपने चीक बोन, नोज़, अपर लिप्स में हाइलाइटर लगाया है। उसके बाद मैंने एक ब्लू हेवन का शेड 11 लिपस्टिक लगाया है। अब मैंने आइकॉनिक आई मस्कारा लेके अपने लोअर लैश लाइन में मस्कारा लगा लिया है और अपने
फॉल्स लैशेज में भी मस्कारा लगा लिया ताकि वो और अच्छे दिखे। उसके बाद मैंने मेकअप फिक्सर लेके स्विस ब्यूटी का अपना मेकअप फिक्स करते हुए डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे सेट कर लिया। फिर ब्लैक बिंदी के साथ मैंने ये लुक पूरा किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।